हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बना रही हूँ चिक्कू का शेक, जिसे बनाना बहुत ही आसान और पीने में बहुत ही टेस्टी। इससे गर्मियों के दिनों में शेक या जूस कुछ तो बनता ही है, तो इसके लिए मैं आज आपके लिए चिक्कू का शेक बना रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। चिक्कू का शेक बनाना बहुत ही आसान होता है। ऐसे बच्चे नहीं दूध पीना पसंद करते हैं, ना ही ऐसे फ्रूट खाना पसंद करते हैं। अगर हम उनको इस वे से बना कर देंगे चिक्कू का शेक, तो वो पीने में भी बहुत ही टेस्टी और बच्चे बूढ़े सब शौक से पी के जाएंगे। इसके लिए मैंने 6-8 चिक्कू लिए हैं, जिनका छिलका अच्छी तरह से उतार कर उन्हें उनके अंदर की जो गुठली होती है वो भी हमें अच्छी तरह से निकाल लेनी चाहिए। इसके बाद आपको जितनी क्वांटिटी शेक की बनाने की है उस हिसाब से आप मिल्क ले सकते हैं। चिक्कू को मैंने अच्छी तरह से धो के उनका छिलका उतार दिया है, और देखना चाहिए कि हमारे चिक्कू अच्छी क्वालिटी के होए, जिससे शेक का मज़ा ही अलग होता है। इनका अच्छी तरह से छिलका उतार कर इनको छोटे छोटे पीसेस में मैंने काट कर ग्राइंडिंग जार में डाले हैं, जो मिक्सी का जूसर का होता है उसमें डाले हैं। आप अपनी क्वांटिटी से चिक्कू डाल सकते हैं। कम से कम एक गिलास में तीन चिक्कू तो पड़ेंगे, जितने गिलास आपको बनाने के हों उस हिसाब से आप चिक्कू और मिल्क ले लीजिए। और अगर आपको ज़्यादा मीठा पीना हो तो इसमें आप शुगर ऐड कर सकते हैं, और ठंडा करने के लिए आप आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें 2 स्पून ही शुगर ऐड किया है। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा शुगर भी कर सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा शुगर डालिए। और इसमें मैंने 2 गिलास जितना दूध ऐड किया है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्सर में शेक बनाने के लिए से पीसेंगे। इसका 2 मिनट ही लगते हैं इसे बनाने में, और हमारा शेक बनकर तैयार हो जाता है। इसमें आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। इसे कंटिन्यू चलाओ मिक्सर को, तो इसमें से ऊपर से जाग भी आ जाएगी। चिक्कू का शेक पीने में इतना ही टेस्टी और डिलीशियस स्वादी होता है कि और इन गर्मियों के मौसम में ये हमारी फेवरेट डिश है। जूस से भी ये ज़्यादा शेक हमको अच्छा लगता है, तो आप भी ऐसे अपने हिसाब से शेक बना के पीजिए, लगता है ना कितना टेस्टी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हमारा शेक बनकर तैयार हो गया है। हमने इसे गार्निश ड्राई फ्रूट से किया है। आप अपने हिसाब से दूसरे शेक भी बना सकते हैं, जैसे बनाना शेक, मैंगो शेक, और इन गर्मियों के दिनों में ये ठंडा शेक पीने में हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी लगता है। अगर आपको और कोई रेसिपी या शेक बनाने की चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इसमें आप ड्राई फ्रूट बिल्कुल ऑप्शनल हैं, आपको अगर पसंद हो तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं।